एमरजेंसी के लिए, और ये पहला ही स्पेस काफी लाजवाब किया सलीम ने और चेंज करने में कामयाब। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, संदेश है सर्विस के लिए, संदेश करेंगे सर्विस राजन ड्रग एजेंसी की ओर से सिमरिया के लिए, और काफी अच्छी सर्विस, और जियाउल ने हल्के हाथों से स्मैश किया और यहाँ पे बॉल को बनाने का प्रयास। गेंद काफी नेट 14 में होगा, सेट जो है 14 का 14 अंकों का होगा, चेंज सर्विस और ये काफी अच्छा स्मैश, और यहाँ पे फील्ड करने में नाकामयाब मुजम्मिल, और इसका फायदा मिलता है। इसी के साथ ही सिमरिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपना खाता खोल लिया है। 1-0 की सर्विस होगी सिमरिया की ओर से राजा ड्रग एजेंसी के लिए, और इसमें से सलीम के द्वारा काफी तगड़ा प्रहार, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाएंगे सिमरिया के रेजर, और इसका फायदा मिल जाएगा राजा ड्रग एजेंसी को। चेंज सर्विस 0-1 की सर्विस होगी संदेश की ओर से सिमरिया के लिए, और खबीर ने गेंद बनाया यहाँ पे महबूब के लिए, और महबूब का काफी अच्छा स्मैश, गेंद टच आउट करती हुई गेंद कोर्ट से बाहर जाएगी और फायदा मिलेगा सिमरिया को। सिमरिया की ओर से सर्विस होगी 1-0 की सर्विस, और ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी जो है खिलाड़ियों में तालमेल की कमी बिल्कुल नजर आ रही है, और ये मैच का शुरुआती क्षण है तो कहीं ना कहीं और फिटनेस का समस्या जरूर आ रहा है, और यहाँ पे मौका है और गेंद को पास कर दिया गया है मुजम्मिल के पास, मौका है, और ये काफी तगड़ा स्मैश यहाँ पे सलीम के द्वारा, काफी उम्दा प्रहार सलीम के द्वारा, इसका फायदा मिलता हुआ चेंज के रूप में, लेकिन अभी तक खाता नहीं खुला है राजा ड्रग एजेंसी का, और उनकी विपक्षी टीम सिमरिया का स्कोर है 2-0-2 की सर्विस होगी, और ये काफी अच्छा स्मैश, टच आउट का इशारा है, टच आउट का इशारा दिया है जमात अली ने, तो फायदा मिलता हुआ सिमरिया को चेंज के रूप में। 2-0 की सर्विस और फिंगर फॉल पकड़ा गया है, और इसका फायदा मिलता हुआ सिमरिया को, उनके खाते में एक और अंक का इजाफा। सिमरिया वर्सेस राजा ड्रग एजेंसी के बीच में इस टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और संदेश आएंगे हल्के हाथों से केवल धकेल दिया है, और अच्छी फील्डिंग सिमरिया के खिलाड़ी के द्वारा, और एक बार फिर से नजमुल से, और ये बहुत ही अच्छा स्मैश सलीम के द्वारा, इसके साथ ही चेंज करने में कामयाब। चेंज सर्विस 0-3 राजा ड्रग एजेंसी की ओर से सर्विस करेंगे संदेश, अच्छी सर्विस, और ज्यादा कुछ करेंगे लिथानी जॉल के पास, और ये काफी अच्छा स्मैश, और इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाएंगे सिमरिया के 0-6 खिलाड़ी, और इसका फायदा मिलेगा राजा ड्रग एजेंसी को। इसके साथ ही खाता खुलता हुआ 1-3 की सर्विस, ओमदा स्मैश, अच्छी फील्डिंग साहिब के द्वारा, एक बार फिर से मौका संदेश आएंगे, बहुत ही उम्दा प्रहार नेट टच करार दिया है यहाँ पे, ना लाइन क्रॉस है क्या, लाइन क्रॉस, बॉल को अंदर फेंके साहिल, अच्छा फील्ड करने का प्रयास यहाँ पे इंजमाम के द्वारा, तगड़ा प्रहार लेकिन ब्लॉक कर लिए गए, और इसका फायदा मिलता हुआ सिमरिया के खाते में एक रन का इजाफा होगा। अब अगली सर्विस आएगी 4-1 की सर्विस आएगी सिमरिया की ओर से राजा ड्रग एजेंसी के लिए, और अंपायर का इशारा आउट का, तो फायदा मिलेगा यहाँ पे चेंज के रूप में राजा ड्रग एजेंसी को। 1-4 की सर्विस होगी, 1-4 की सर्विस होगी, शरीफगंज वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2022 का ये तीसरा क्वालिफाइंग मुकाबला, पट्टी का इशारा अंपायर का, और इसी के साथ ही एक अंक का इजाफा, 2 and double, 2-4 की सर्विस और बेहतरीन सप्लाई, हल्के हाथों से स्मैश, और गेंद छिटक के चली जाएगी, छिटक के नीचे गिरती हुई, और फायदा मिल जाएगा सिमरिया को चेंज के रूप में। और आज इस टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था मनोहरपुर के खिलाफ सिमरिया ने, आज इस मैच में काफी उम्मीदें रहेंगी, जो जितने भी सपोर्टर हैं सिमरिया के वो जरूर चाहेंगे कि आज इस मुकाबले में बॉल को अंदर फेंक दें, आज इस मुकाबले में वो चाहेंगे कि सिमरिया फिर से यहाँ पे बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करे, क्योंकि आज के सर्विस बेहतरीन सप्लाई का प्रयास, महबूब ने हल्के हाथों से गेंद को पास किया और ये खाली स्थान देख लिया था नजमुल ने और धकेल दिया, और इसका फायदा मिल जाएगा नजमुल और उनकी टीम राजा ड्रग एजेंसी को। इसी के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ राजा ड्रग एजेंसी का 3-4।
ओह बहुत ही उम्दा सर्विस, और सर्विस में अंक अर्जित करने में कामयाब। इसी के साथ ही फोर इक्वल, फोर इंच की सर्विस होगी, चार चार की बराबरी पर दोनों ही टीमें ये सर्विस, और एक बार फिर से अंक अर्जित करने में कामयाब। लगातार दो सर्विस में दो अंक अर्जित करने में कामयाब। और ये टाइम आउट, 30 सेकेंड का टाइम आउट दिया जाएगा, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। टाइम आउट समाप्त, सर्विस होगी संदेश करेंगे 5-4 की सर्विस, और ये जियाउल का काफी अच्छा स्मैश, चालाकी करने का प्रयास, नेट टच कर गए खबीर। इसी के साथ ही लगातार तीन अंक अर्जित करने में कामयाब राजा ड्रग एजेंसी, 6-4 की सर्विस होगी। ओह यहाँ पे एक और अंक का इजाफा हो जाएगा, काफी लाजवाब सर्विस संदेश के द्वारा, और इसका फायदा मिलता हुआ ऐसा लग रहा है कि सिमरी की टीम बिल्कुल नर्वस हो चुकी है, और यहाँ पे ऐसे टूर्नामेंट की क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपना बेस्ट नहीं प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन काफी अच्छा स्मैश महबूब के द्वारा। और जिस तरीके से लालगंज में काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था, इसके बाद जो मरंगा थाना पुरिया में जो मैच हुआ था उसमें भी काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया था सिमरिया की टीम ने, तो यहाँ भी उनकी टीम चाहेगी कि यहाँ भी प्रदर्शन करके इस सरिमंज वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम करें, लेकिन काफी मुश्किल भरा लग रहा है क्योंकि पहले काफी अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रगल करती नजर आ रही है। और लाइन क्रॉस चेंज सर्विस 7-4 राजा ड्रग एजेंसी की ओर से सिमरिया के लिए, और जियाउल आएंगे स्मैश करने, काफी अच्छा स्मैश फेल करने का प्रयास, और एक बार फिर से कबीर, कबीर से जियाउल का ये फिर से अच्छा स्मैश है लेकिन फिर से ब्लॉक, और इस बार क्या करेंगे, फिर से जियाउल के पास है, जियाउल ने हल्के आधे सेकंड को धकेल दिया है, और सलीम, सलीम से संदेश का ये स्मैश और अच्छी फील्ड करने का प्रयास, और महबूब आलम के द्वारा काफी उम्दा प्रहार, गेंद टच आउट करती हुई गेंद कोर्ट से बाहर जाएगी और फायदा मिलेगा सिमरिया को। सिमरिया की ओर से चेंज सर्विस 4-7, यहाँ पे एक या दो अंक अर्जित करने की काफी आवश्यकता है, लेकिन काफी अच्छा स्मैश संदेश के द्वारा फील्ड कर लिया गया है, और एक बार फिर से सिमरिया के खिलाड़ी भी कम नहीं है, काफी अच्छा स्मैश सकुर का ये फील्ड, और फिर से जियाउल का स्मैश, और लगातार गेंद हवा में है, दिखना पड़ेगा कौन स्मैश करेंगे, आएंगे हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया, यहाँ पे फिर से गेंद को बना लिया गया है, इसमें सर आएंगे स्मैश करेंगे, बड़ा प्रहार इंजमामुल के द्वारा रतनपुर की ओर से, और इसका फायदा मिलेगा चेंज के रूप में 7-4 की अगली सर्विस आएगी राजा ड्रग एजेंसी की ओर से सिमरिया के लिए। संदेश का काफी बेहतरीन सर्विस और नजमुल गेंद बनाया, संदेश के लिए संदेश आएंगे स्मैश करेंगे, और गेंद टच आउट करती हुई कोर्ट से बाहर जाएगी, और फायदा मिलेगा संदेश और उनकी टीम राजा ड्रग एजेंसी को। इसी के साथ ही 8.5-8-4 की सर्विस, हल्के हाथों से गेंद को स्मैश किया, और यहाँ पे नेट से दोस्ती कर बैठे नजमुल, और इसका बेनिफिट मिल जाएगा चेंज के रूप में, लेकिन दोनों ही टीमों के बीच में 4 अंकों का फासला है जो धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है, क्या होगा देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और यहाँ पे एक बार फिर से गेंद को बना लिया कबीर, कबीर से एक बार जियाउल, काफी सुंदर स्मैश लाजवाब उम्दा स्मैश जियाउल के द्वारा। इसी के साथ ही काफी समय के बाद एक अंकों का इजाफा होता हुआ सिमरिया के खाते में, अब जो है फासला घटता हुआ 3 अंकों का है, 5-8 बॉल को अंदर फेंके, 5-8 की सर्विस होगी सिमरिया वर्सेस राजा ड्रग एजेंसी के बीच में। इस टूर्नामेंट का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है सरिमंज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का, और यहाँ पे फिर से मौका है, संदेश आएंगे स्मैश करेंगे, काफी अच्छा स्मैश, और गेंद नीचे गिरती हुई, और इसका फायदा मिलेगा चेंज के रूप में, सही तरह से बॉल को नहीं बना पाए शरीफ, और इसका फायदा मिलेगा चेंज के रूप में, चेंज सर्विस 8-5 अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा है, एक बार फिर से अच्छा स्मैश, अच्छा फील्डिंग मुजम्मिल के द्वारा, और बहुत ही उम्दा स्मैश, ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे थे, ऐसा लगा कि ब्लॉक कर लिए गए थे लेकिन नहीं, ब्लॉक करने में नाकामयाब, और बहुत ही मुश्किल होता है संदेश की जैसे स्मैशर को ब्लॉक करना, और यहाँ पे फिर से मौका है, जियाउल आएंगे स्मैश करेंगे, उम्दा शॉट, लेकिन अंपायर का इशारा आउट का है, तो फायदा मिल जाएगा फिर से
राजा ड्रग एजेंसी को। इसी के साथ ही राजा ड्रग एजेंसी का स्कोर हो चुका 10, विपक्षी टीम सी मेरे का स्कोर है 5। और फिर से लेंगे गेंद सकुर की आगे गिरती हुई, और इसी के साथ ही एक और अंकों का इजाफा होगा राजा ड्रग एजेंसी के खाते में, और ये आउट सर्विस कर बैठे। पिछला कुछ सर्विस बहुत ही बेहतरीन किया था संदेश ने, लेकिन इस बार गलती कर गए, आउट मार बैठे सर्विस, जिसमें से चेंज सर्विस होगी 5-11। ओ बहुत ही उम्दा प्रहार, क्योंकि दर्शक काफी शांत है, और जैसे कि मौसम जो है बिल्कुल ठंड का मौसम है, सुबह का समय है, यहाँ पे गेंद छिटक के चली जाएगी और लगातार गलती कर रहे हैं सिमरिया के खिलाड़ी जमील, और कहीं ना कहीं काफी कमजोर कड़ी नजर आ रही है सिमरिया की ओर से, और उनकी विपक्षी टीम इसका फायदा उठाते हुए स्कोर है उनका 12-5। और ये उमदा स्मैश महबूब आलम के द्वारा, सिमरिया के काफी पुराने प्लेयर है महबूब, और काफी उनका फॉर्म में आना सिमरिया के लिए काफी लाभदायक हो सकता है, लेकिन जब तक जियाउल और महबूब फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक दिक्कतें आएंगी आती रहेंगी, और यहाँ पे फिर से बॉल को नहीं बना पाएंगे, सप्लाई नहीं दे पाएंगे, और इसका फायदा मिलेगा राजा ड्रग एजेंसी को चेंज के रूप में। चेंज सर्विस 12-5, और इस बॉल को नहीं फील्ड कर पाएंगे संदेश, काफी तगड़ा प्रहार किया था जियाउल ने, और इसका फायदा मिलता हुआ जियाउल और उनकी टीम सिमरिया को, लेकिन दोनों टीमों के बीच में काफी अंकों का फासला हो चुका है, 7 अंकों का फासला, और ये काफी अच्छा स्मैश, अच्छा फील्ड करने का प्रयास, लेकिन खबीर मिस कर गए, और इसके साथ ही शांति बनाए रखें 12-5। और ये काफी बेहतरीन से भी यहाँ पे सलीम के द्वारा, और ये उम्दा स्मैश महबूब के द्वारा, उसका फायदा मिलता हुआ। जी हाँ, मैं इससे पहले बिल्कुल बता रहा था कि सिमरिया की ओर से महबूब और जियाउल का फॉर्म में आना काफी अहम रहेगा, क्योंकि अभी इस वक्त जो है वसीम नहीं नजर आ रहे फील्ड पे, उनके स्थान पर किसी और खिलाड़ी का मौका मिला है, और ये बॉल को सही तरह से नहीं बना पाए, हथेली का प्रयोग किया जिसमें से अंपायर जमात अली ने, जमात अली के द्वारा गलत पकड़ा गया, 12-5 की सर्विस। ओह बहुत ही उम्दा स्मैश, ब्लॉक करने का प्रयास किया था, लेकिन ताकतवर शॉट था जियाउल के द्वारा, जिसमें से ब्लॉक नहीं कर पाई, गेंद बाहर चली गई। अगली सर्विस आएगी 5-12 की, ये सर्विस है, यहाँ पे मौका है सलीम के पास, सलीम ने गेंद को धकेल दिया है, अच्छा फील्ड इस बार जमील के द्वारा, और उम्दा स्मैश, लेकिन अच्छा फील्ड करने का प्रयास, लेकिन गेंद बाहर चली जाएगी, साहिब के द्वारा अच्छा एफर्ट जरूर था, लेकिन गेंद काफी बाहर चली गई थी, और जमात के लिए इस गेंद को फील्ड करना काफी मुश्किल भरा था, और यहाँ पे एकों का इजाफा 6-12, 6 and double। इस बार शरीफ बेहतरीन सप्लाई दे पाया, स्मैश आएंगे, स्मैश करेंगे, काफी तगड़ा स्मैश, जी हाँ, बेहतरीन सप्लाई करने का यही फायदा होता है कि आपके स्मैशर जो है वो चढ़ के बोलते हैं। अच्छी सर्विस, यहाँ पे मौका है संदेश के पास, संदेश ने हल्के हाथ गेंद को स्मैश किया, फील्ड कर लिया गया, जियाउल आएंगे स्मैश करेंगे, और ये पट्टी करा दिया गया है, और उसका फायदा मिल जाएगा 12-7 चेंज सर्विस। धीरे धीरे वापसी जरूर करी है सिमरिया ने, लेकिन अभी भी 5 अंकों का फासला है, और ये फासला बड़ा है, क्योंकि धीरे धीरे जो है संदेश की टीम जो है जीत की ओर अग्रसर हो रही है, और काफी अच्छा स्मैश, और ये नेट टच कर गए थे। और इसके साथ ही चेंज सर्विस 7-12 की अगली सर्विस आएगी, सर्विस करेंगे जियाउल, अच्छी सर्विस यहाँ पे, ओह ब्लॉक लाजवाब, गेंद छिड़क के चली जाएगी कोर्ट से बाहर, इसका फायदा मिलेगा, एक और होगा इजाफा। धीरे धीरे दोनों ही टीमों को खिलाड़ी गरमाते हुए, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह मैच जो है ये इस सेट जो है काफी अहम होने वाला है, ये काफी अच्छी वापसी कही जाएगी सिमरिया की ओर से, लेकिन यहाँ पे जियाउल इस बॉल को फील्ड नहीं कर पाएंगे, और इसी के साथ ही चेंज होता हुआ 12-8।
12-8। ओ बहुत ही उम्दा प्रहार। जी हाँ, लाइव में नजर आ रहे हैं ध्यान, एक बार जोर ताली हो जाए जोल के लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत माहौल इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले का, इसमें सराएंगे इसमें सरेंगे, लेकिन गेंद क्या बाहर जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ ही एक और होगा इजाफा। 9-12 की ये सर्विस बहुत ही बेहतरीन का सर्विस, फिर से क्या बाहर, नहीं अंपायर का इशारा टच आउट था। चेंज करने में कामयाब, लेकिन बहुत दिलचस्प बात ये है कि धीरे धीरे से मरिया वापसी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन गलती कर गए यहाँ पे सिमरिया के महबूब, इसका फायदा मिलेगा। इसी साथ ही सेकेंड लास्ट बॉल की ये सर्विस और ये काफी उम्दा स्मैश और चेंज करने में कामयाब, लेकिन अभी भी मौका है सिमरिया के पास। नौ 13 की सर्विस है, और चेंज करने में कामयाब, जीत के बिल्कुल करीब है पहले सेट में राजा ड्रग एजेंसी। अच्छी सर्विस रत्नपुर संदेश के द्वारा, एक बार फिर से काफी अच्छा इसमें से लिखने उतना ही सुंदर ब्लॉक पट्टी का इशारा। और इसके साथ ही दोस्तों लास्ट बॉल 14 लास्ट बॉल, काफी अच्छा स्मैश खाली असर फेंक दिया था राहुल ने। अभी भी बहुत कुछ करने का मौका है यहाँ पे सिमरिया के पास, क्योंकि सिमरिया लगातार बेहतरीन करती है तो वो फिर मैच के करीब आ जाती है, और ये टच आउट करा दिया गया है। लास्ट बॉल की सर्विस होगी, काफी अच्छा स्मैश और गेंद को धकेल देगा, फिर से मौका संदेश संदेश आएंगे स्मैश करने, काफी अच्छा स्मैश अच्छी फील्डिंग से शरीफ के द्वारा, जियाउल के द्वारा काफी अच्छा स्मैश और गेंद टच आउट करती हुई कोर्ट से बाहर जाएगी, इसका फायदा मिलेगा सिमरिया को चेंज के रूप में। चेंज सर्विस 9-14, संदेश का फिनिश करेंगे, संदेश का अच्छा शॉट चेंज करने में कामयाब, अब फिनिश करने की दरकार है संदेश को राजा ड्रग एजेंसी की ओर से। और एक बार काफी अच्छी सर्विस 14 बंद कीजिएगा ना, और ये हल्का को धकेल दिया है, गेंद चिटक के जा रही है और फिल नहीं कर पाएंगे। नौ 14 की सर्विस होगी सिमरिया की ओर से राजा ड्रग एजेंसी के लिए, और संदेश ने गेंद को धकेल दिया है, शरीफ गेंद को बनाएंगे और स्मैश करेंगे, जियाउल जियाउल का स्मैश और उम्दा स्मैश जियाउल के द्वारा। इसी के साथ ही एक और अंक का इजाफा जियाउल की टीम के खाते में 10-14, 10-14 का यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे सिमरिया, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। खबर ने गेंद बनाया है पे जियाउल के, काफी शानदार स्मैश और राइट का इशारा जमात अली के द्वारा, और इसी के साथ ही 11-14। अगर यहाँ पे एक अंक और अर्जित कर लेंगे तो फिर ये मैच काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि 12-14 अगर हो जाता तो फिर काफी रोमांचक मुकाबले देखने के लिए मिल सकते हैं इस सेट में। क्या करेंगे सदस्य आएंगे स्मैश करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा सुंदर ब्लॉक महबूब के द्वारा, फिर से गेंद को धकेल दिया गया है और चालाकी करेगा प्रयास और गेंद बाहर जा रही है। इसी के साथ दोस्तों 12-14 और ये टाइम आउट राजा ड्रग एजेंसी की ओर 12-14। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, 12-14 की ये सर्विस लगातार बेहतरीन सर्विस कर रहे हैं जियाउल, बहुत ही अच्छा स्मैश कर रहे हैं उनके साथ ही खिलाड़ी, और यहाँ पे काफी तगड़ा स्मैश अच्छा फील्ड कर लिया है शरीफ ने, इस बार ये गेंद मार गई है और इसी के साथ ही दर्शकों केवल एक अंक पीछे है सिमरिया, एक बार सिमरिया के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 13-14, 13-14,
और यहाँ पे क्या गेंद बाहर जाएगी, देख क्या मारो यार। चलिए क्या फिनिश करेंगे या चेंज करेंगे, चेंज हुआ, चेंज लिखिए, चेंज चेंज। स्कोरर कहां थे हमें, अच्छा स्मैश, क्या चेंज कर लेंगे, यहां चेंज हो जाएगा, फिर से चेंज होता हुआ 13-14 की चेंज सर्विस यहां पे। क्या यहां पे एक और अंक अर्जित करके बराबर करेंगे, क्या दोस्तों क्या लगता है आप सभी को, क्या बराबर होगा, एक बार देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अच्छी सर्विस यहां पे, अच्छा सप्लाई करने का प्रयास इसमें से आएंगे, अच्छा स्मैश यहां पे, गेंद एक बार फिर हवा में है, क्या करेंगे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और ये गेंद को धकेल दिया है, गेंद छिटक के चली जाएगी, वाह व्हाट अ मैच। इसी के साथ 14-14 की बराबरी पर है, देखना बड़ा दिलचस्प है क्या यहाँ पे फिनिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत माहौल है सरीमंच वॉलीबॉल टूर्नामेंट में, क्या फिनिश करेंगे, क्या संदेश चेंज करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे संदेश चेंज कर लिया है, अब जो है एडवांटेज रतनपुर के साथ में है, राजा ड्रग एजेंसी की और एडवांटेज है 14-14 बराबर हो गया ना। चलिए सुपर थ्री होगा, यहां से सुपर थ्री होगा और सर्विस होगी 0-0 की सर्विस होगी राजा ड्रग एजेंसी की ओर से। अच्छी सर्विस यहां पे, चौलाएंगे स्मैश करके, हल्के हाथों से स्मैश किया लेकिन मुझे मिल के द्वारा फील, संदेश का स्मैश, अच्छा ब्लॉक खबीर के द्वारा और ये स्मैश लेकिन कर गए यहां पे। चेन सर्विस सुपर थ्री का ये मुकाबला, क्वार्टर फाइनल मुकाबले का पहले सेट में ही पहला सुपर थ्री और ये उम्दा स्मैश करेगा प्रयास, फील्ड करेंगे नहीं, गेंद छिटक के चली जाएगी। चेन सर्विस अब राजा ड्रग एजेंसी की ओर से सर्विस होगी, काफी बेहतरीन मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में, ये उम्दा स्मैश लेकिन ब्लॉक करने में नाकामयाब। और ये काफी अच्छी सर्विस और यहां पे फिर से स्मैशर के पास मौका, जी हाँ खेला हो बे, बहुत ही खूबसूरत माहौल, बॉल फेंक रहे, बॉल फेंक, जी हाँ लगभग 90% दर्शकों का नींद छूट गया है, ऐसा हमें उम्मीद है कि जो मैच हो रहा है काफी दिलचस्प मुकाबला है और इस तरह के मैचेस के लिए काफी संख्या में दर्शक रुके हुए हैं और जो दर्शक इस मैच का मजा ले रहे हैं और ये काफी उम्दा स्मैश, लेकिन यहाँ पे अंपायर का इशारा जो है आउट है, लाइन से बाहर चली गई थी गेंद जिसका फायदा मिलेगा चेंज। और ये राइट का इशारा है तो फायदा मिल जाएगा राजा ड्रग एजेंसी को, कंटिन्यू के रूप में इसके साथ 2-0। अब लगातार दो सर्विस लेने की जरूरत है, अगर दो सर्विस ले लेंगे तो फिर जीत जाएंगे, क्या लगातार दो सर्विस ले पाएंगे रतनपुर राजा ड्रग एजेंसी खिलाड़ी। उम्दा स्मैश, गेंद चले के चले जाएगी, जी नहीं चेंज करने में कामयाब। जीरो टू की ये सर्विस, मुजम्मिल का बेहतरीन सप्लाई, उम्दा स्मैश करने का प्रयास, गेंद चले के चले जाएगी, क्या फील्ड कर लेंगे, फील्ड कर लिया गया सरीफ के द्वारा, गेंद को पास कर दिया है जाउल के द्वारा, फिर से मौका है, संदेश आएंगे स्मैश करेंगे, बहुत ही सुंदर ब्लॉक का प्रयास और फिर से मौका है और ये क्या कर गए। ओके ओके, तो 2-0 की ये सर्विस, एक बार रतनपुर के लिए जोरदार ताली बजानी होनी चाहिए, रतनपुर के लिए 3-0 की सर्विस, अगर यहाँ पे अंक अर्जित करेंगे तो गेम ले लेंगे, क्या गेम लेंगे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। गेंद को धकेल दिया है, छिटक रही थी लेकिन फील्ड कर लिया मुजम्मिल के द्वारा, ओम्पायर